सिटी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके संग जमीत सिंह। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जीत पर रणसु शिवखोड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का जश्न वो रणसु शिवखोड़ी में मना रहे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका एंटी क्राइम न्यूज में। किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत पर रणसु में? सबसे पहले तो आप सबको जो भी आपके चैनल के साथ जुड़े हैं उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। इस जीत पर हर देशवासी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये इलेक्शन जो हुई है मेरे ख्याल से एक तरफ एंटी नेशन और एक तरफ देशभक्त लोग थे, एक तरफ खड़े थे। आखिरकार सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई। जिस तरह जैसे अपना कांग्रेस पार्टी ही देख लो, जम्मू कश्मीर के अंदर उसने या मैनुफेस्टो अपना जारी किया, हम हैरान हो गए कि ये पाकिस्तान का मैनुफेस्टो है या भारत का है। जैसे हम अफसपा हटाएंगे, 370 को और मजबूत करेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारा भारतीय जनता पार्टी ने मैनुफेस्टो जारी किया उन्होंने लिखा हम राम मंदिर भी बनाएंगे, हम 370 भी हटाएंगे। आखिरकार उन लोगों ने ये साबित कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर कि हम शांति पसंद लोग हैं, हम 370 नहीं चाहते हैं। और जो महबूबा और कांग्रेस की थी जिन्होंने जिनके काले चेहरे जनता के सामने अब आ चुके हैं, जनता ने बिल्कुल उनको जम्मू कश्मीर से सफाया करके जीरो कर दिया है। और आप सबसे बधाई देता हूं जो आज हमारे देश के एक बहुत महान नेता की जो हमारी जीत हुई है, जो आज फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मैं अपने इन चारों पंचायतों के और अपनी पंचायत के और जो हमारे आज से काफ़ी ज़्यादा जो हमने जो बेहतर प्रदर्शन किया है बीजेपी में और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे आज डोडा उधमपुर काशीवासी से भी जीते हैं हमें। सर आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की? बट्टू कोहली बोल रहा हूँ शिवखोड़ी से जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जहाँ से जीती है और बहुत खुशी का माहौल है और यात्रियों ने भी काफ़ी डांस किया, जहाँ प्रसाद बनाया था लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम जो चाहते हैं कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर बैठाएं वो हमारा बीजेपी का ही बैठे, तो इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया न्यूज वालों का भी, बाकी जो पब्लिक हमारे साथ चल रही है इनका भी, जिन लोगों ने वोट दिए उनका भी, और मोदी भाई को भी हम यही शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने आपको बनाया है तो आपने हमें बनाया है। शिवखोड़ी भोले बाबा की जय।